आज हम चौखम पुलिस स्टेशन के आगे खड़े हैं। कल हमें इन्फॉर्म मिला है कि उन्होंने पुलिस ने एक ड्रग्स पेडलर को पकड़ा है, बल्कि तो उस सिलसिले में हम आज ओसी सर से बात करने आए हैं। जी, कल हमारा एक स्पेशल चेकिंग बैठा हुआ था कोई इन्फॉर्मेशन के आधार पर, जो कोई ड्रग कंसाइनमेंट आ रहा था, बट उसमें जो दो आदमी को हम लोग इंटरसेप्ट किया था, बट स्मॉल क्वांटिटी मिला है। और थ्रोली इंट्रोगेट करने के बाद पता चला वो कंज्यूमर है, तो उनको जो आफ्टर पुलिस स्टेशन लाने के बाद जो लीगल फॉर्मेलिटीज़ है वो करने के बाद उनके गार्जियन को रिहैब भेजने के लिए अंडरटेकिंग देके उनको जाने दिया गया। तो अब इससे रिलेटेड आपका एक्शन प्लान क्या होगा आगे का? जी, जैसा कि आपको पता है, चौखम एरिया हमारा जो है ड्रग एडिक्टेड बहुत सारा यूथ है, तो अभी हम लोग एक डिटेल प्लान स्टार्ट कर रहा है विथ द हेल्प ऑफ चौखम यूथ। जो एडिक्ट है उनको पकड़ के काउंसलिंग करके जो है पाली विद्यापीठ के द्वारा जो रन किया गया डी एडिक्शन कैंप है, वो रिसेंटली फंक्शनल होने वाला है, उसमें भेजा जाए, और जो पेडलर है उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई किया जाएगा। और आपके चैनल के माध्यम से मेरा यह अपील है पार्टिकुलर यूथ का और एडिक्ट का, जो वो जो है आप जो है काउंसलिंग के लिए आगे आए और डी एडिक्ट करा के उनको जो है मेन लाइफ में लाया जाए। उसके लिए आप लोग का हेल्प से हम भरसक प्रयास करेंगे उनको ठीक करने के लिए। अभी इसके बाद जो है रिहैब भेजने के बाद में, उसके बाद भी अगर कोई गलती करता है उनके खिलाफ में जो है कानूनी सख्त से सख्त कार्रवाई किया जाएगा। और जो हमारा पाली विद्यापीठ के द्वारा जो रन किया गया रिहैब सेंटर्स है उनको भी मैं धन्यवाद देता हूँ, जो वो आगे आकर के हमको मदद के लिए आए हैं, और चौखम यूथ को भी धन्यवाद देता हूँ जो उन्होंने आगे आया है और इस काम के लिए हमको मदद कर रहे हैं।